अब आइए जानते हैं कि साल 1958-59 का केंद्रीय बजट किस तरह का था। वित्तीय वर्ष 1958-59 का बजट तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में रखा था, जिसमें 32,85,00,000 रुपये का वित्तीय घाटा दिखाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव तो किए गए हैं, लेकिन पिछले साल जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था वह आगे भी जारी रहेगा। तो आइए देखते हैं कि 1958-59 के बजट की क्या खास बातें थी। आर्थिक हालात में सुधार देखा गया, वस्तुओं की कीमतों में कमी आई, वित्तीय बाजार के लिए एक माकूल स्थिति बनी रही, देश के कई हिस्सों में सूखे के बावजूद कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई, भुगतान में संतुलन तनावपूर्ण रहा, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में विदेशी मुद्रा में कमी आई, सरकार ने देश के बंदरगाहों, ट्रॉम्बे थर्मल स्टेशन, डीवीसी, हाइड्रोक्लेरिक प्रोजेक्ट आदि की मदद के लिए वर्ल्ड बैंक से रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में मदद के लिए यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, कनाडा और जापान ने सॉफ्ट लोन ऑफर किया। भारत ने कोलंबो प्रोजेक्ट के तहत अपने पड़ोसियों को मदद दी। इसके साथ ही कपड़ा और मोटर सेक्टर में रेवेन्यू में कमी के चलते सरकार की आय में कमी हुई, जबकि रक्षा और नागरिकों पर खर्च बढ़ा।